हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपके रिलेटेड है एम करुणा निधि से। जी हाँ दोस्तों, एम करुणा निधि जो हैं उनका निधन हो गया है 7 अगस्त 2018 को। तो उनसे जीवनी से रिलेटेड और उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपके लगातार जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे हमारे इन वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं वो आपको सभी याद होना जरूरी नहीं है, पर हमारी जो मेंटलिटी होती है वो होती है स्टोरी बेस याद करने की। ऑब्जेक्टिव से बढ़िया है यदि आप एक बार स्टोरीज की बार पूरी पढ़ेंगे सही ढंग से, तो आपको दिमाग में भी बैठेगी और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत थी वो क्यों हुई थी, धार्मिक विश्वास, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू क्रोतियों पर प्रहार करने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसके जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो महान समाज सुधारक थे तमिलनाडु के ईवी के रामास्वामी पेरियार, इसको इसका जनक माना जाता है। अब ये इसके बाद हुआ क्या, तो जो डीएमके है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीएम की जो पार्टी है उसका क्या है, उसने द्रविड़ आंदोलन के जरिए जो पेरियार के विचार है उसको अपनाया है और राजनीति में इसी के हिसाब से प्रवेश जो इसने किया। पेरियार ने 1944 में द्रविड़ कड़गम का जो है गठन किया था, ध्यान रखिएगा द्रविड़ कड़गम का जो है 1944 में गठन हुआ था। और 1949 में पेरियार के जो बेहद करीबी थे सीएन अन्नादुरई, उनके साथ मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद 1949 में ही 17 सितंबर को अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना कर दी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब द्रविड़ कड़गम का नाम क्या है, इसमें मुनेत्र और जोड़ दिया गया। अब 1969 में सीएन अन्नादुरई के निधन के बाद जो है करुणानिधि ने डीएमके की कमान संभाली थी। 1969 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी सीएन अन्नादुरई की, उसके बाद ही करुणानिधि जो है कमान संभाली थी पार्टी की जो कि डीएमके है। 50 सालों तक उन्होंने ये पार्टी के मुखिया बने रहे। अब उनकी जो पार्टी की कमान है वो उनके बेटे एम के स्टालिन के पास है। अब फ्रेंड्स, जो करुणानिधि है वो कैसे आगे आए, कैसे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, तो कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ में जो है द्रविड़ आंदोलन स्टार्ट किया गया था, उसमें भी करुणानिधि ने बहुत अच्छे तरह से भाग लिया, आगे बढ़कर आए, उसी में ये प्रतीक बने। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि यहां पर हिंदी भाषा का जो है जमकर विरोध किया गया। 1937 में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया, 65 में हिंदी को देश की एकमात्र सरकारी भाषा बनाए जाने का जो है निकाल दिया गया, ऐलान कर दिया गया। तो उनके विरोध में ये भी सामने आए, आगे चेहरा बने भीड़ का, उसके बाद इनको जो आगे आगे बढ़ाया गया और ये अपने जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद ये 1997 में करुणानिधि जो है पहली बार तमिलनाडु विधानसभा के विधायक बने हैं और 1967 में भी सत्ता में आए, और जब सत्ता में आए तो उन्हें लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1969 में जब मृत्यु हो गई थी अन्नादुरई की, तो उसके बाद ही वे पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है कि द्रविड़ आंदोलन के बारे में कौन सी फैक्ट है, तो ये जो पहला जो आपका ऑप्शन है ये आपका यहां पर आ जाएगा। डीएमके की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीएमके के गठन कब हुआ था ये पूछ सकता है। तो डीएमके का गठन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, जब इसका जो सीएम अन्नादुरई है उनका मतभेद हो गया था पेरियार से। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में, तब वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, और 1957 में पहली बार ये विधायक बने थे तमिलनाडु विधानसभा के। तो ये 2-3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब करुणानिधि के बारे में कई इनके रिकॉर्ड्स भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कभी ये चुनाव हारे नहीं है। 1969 से 2011 के बीच वो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और 1957 में जो है इन्होंने विधानमंडल में प्रवेश किया था, जिसके पहले मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद जो विधायक है एमएलए, उसके रूप में भी सबसे ज्यादा बने रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। ये जो है कम से कम 12 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं, और जिस सीट से भी ये लड़े उस सीट से कभी भी नहीं हारे हैं। बीच में एक बार जरूर इन्होंने बीच में जो है चुनाव नहीं लड़ा था, उसके अलावा बाकी बार जितने भी हैं वो ये चुनाव जीते हैं और आगे एमएलए बन के आए हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम पर लगातार बने हुए हैं। उसके बाद है तमिलनाडु के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री कौन है, तो ये एम करुणानिधि ही जो है तमिलनाडु
तमिलनाडु के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म मैंने पहले बताया 3 जून 1924 को हुआ था और लास्ट जो ये मुख्यमंत्री रहे उन्होंने 2006 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तो 2006 से 2011 के बीच में ये मुख्यमंत्री रहे 5वीं बार, तो ये जो है सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री बन गए थे तमिलनाडु के। उसके बाद इनका एक जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो क्या है कि ये राजनीति में आने से पहले क्या थे, पटकथा लिखते थे, पितरों की कहानियां स्क्रिप्ट लिखते थे। तो इन्होंने जो है एलिस डुंगनर की अंतिम पटकथा जो है लिखी थी वो उनके लिए अंतिम लास्ट स्क्रिप्ट थी किसी पिक्चर के लिए। एलिस डुंगन कौन थे, तो ये अमेरिकी निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ही इनको कहा था कि आप मेरी इस पिक्चर की जो है स्क्रिप्ट लिखी है। तो फ्रेंड्स ये करुणानिधि जो थे उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म राजकुमारी से की थी जो कि 1947 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स यहां पर इनके बेहतरीन काम को देखते हुए इनको क्या नाम से बुलाया जाता है, कला का विद्वान, कला के विद्वान के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और उसके साथ साथ ये जो है अब राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा था तो वहां पर भी ये अनडिफिटेड, मतलब जिसको कोई हरा नहीं पाया एमएलए में चुनाव में या किसी भी और चुनाव में, अपनी सीट पर वो हमेशा बने रहे। तो इसी के साथ करुणानिधि ने अपने नाम कई रिकॉर्ड भी बना लिए थे। तो फ्रेंड्स ये जो छोटे मोटे फैक्ट थे जो मैंने आपको इनके बारे में बताया, आप इन फैक्ट को अगर एक दो बार पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लगातार हो सकता है, पूछ ले, एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है जो कि इनकी लाइफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो यही जो जानकारी थी मैं आपके साथ करना चाहता था शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।